हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों अपने इस चैनल डीपी क्लासेस स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हम लोग इंटीग्रेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अंदर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पिछले लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर हमने आईलेट रूल को डिस्कस किया था। व्हाट डू यू मीन बाय आईलेट? ILATE। आप समझ गए होंगे आईलेट क्या होता है, क्यों होता है। अगर नहीं वो लेक्चर देखा है तो पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इसमें आइएगा, क्योंकि मैं इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हाँ, वन मोर थिंग, वीडियो आधे में मत छोड़िएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो जी, आईलेट। अब ये मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ राइट डाउन किया है। आईलेट का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ हम देखेंगे, जो पहले मिल रहा है उसे यू मानेंगे, जो बाद में मिलता है उसे वी। जैसे फर्स्ट वाले को चेक करो, ये होगा एल्जेब्रिक फंक्शन और ये होगा लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखो, पहले इस सिक्वेंस में कौन आ रहा है, ए आ रहा है कि एल आ रहा है? एल फॉर लॉग, ए फॉर एल्जेब्रा। तो पहले आ रहा है एल लॉगरिथमिक, तो ये बनेगा यू मीन्स फर्स्ट फंक्शन, और ए ये आ रहा है, ये बनेगा आपका सेकेंड फंक्शन। इसके अंदर यहाँ चलिए, ये एल्जेब्रा है हमारा और ये है हमारा एक्सपोनेंशियल ई, ठीक है ना। तो इसमें देखिए कि कौन पहले आ रहा है, एल्जेब्रा की एक्सपोनेंशियल, देखिए ए, ए पहले आ रहा है फर्स्ट, फिर ई आ रहा है, मीन्स ये बनेगा आपका फर्स्ट फंक्शन यू और ये सेकंड फंक्शन ये वाला वी बनेगा, ये फर्स्ट ये सेकंड बन जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट इसके अंदर चेक कीजिए, दिस इज एल्जेब्रा और दिस इज ट्रिग्नोमेट्री। सिक्वेंस में आइए, एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री, पहले एल्जेब्रा फिर ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर। तो ये फर्स्ट फंक्शन मींस यू और ये सेकंड फंक्शन मींस वी बन गया, यू इनटू वी वाला। सेम इसमें चेक कीजिए, एल्जेब्रा एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स आई। तो देखिए, आई सबसे फर्स्ट आ जाता है, तो ये बनेगा यू और ये बनेगा वी, मींस ये फर्स्ट फंक्शन और ये बनेगा आपका सेकंड फंक्शन, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना आप अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इसमें कुछ को मैं करके भी बता रहा हूँ, ठीक है, सोल्व करके। आईलेट के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट वाले को लेके चलते हैं। फर्स्ट में आपने देखा, ये हो गया आपका एल्जेब्रा, ये हो गया आपका लॉग। तो इसके अकॉर्डिंग आई इनवर्स एल मींस लॉग, ए मींस एल्जेब्रा, तो ये अपना यू है और ये अपना वी है, ये सेकंड फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग लिख देते हैं, लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। सो समझ गए, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, मीन्स ये यू ये वी। चलिए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलिए, u इंटू वी डी एक्स होता है, u एज इट इज v, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स और होल इंटीग्रेशन। चलिए, इसके अकॉर्डिंग इसे अरेंज कीजिए। सो आपका देखिए, u है log, तो log को एज इट इज बाहर राइट डाउन कर लीजिए, और v जो है आपका x का, उसका इंटीग्रेशन कीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट में d बाई डी एक्स ऑफ log means one log of one plus sorry x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x जो आपका v था ये dx, और इसका होल इंटीग्रेशन dx, ओके। अब आगे कंटिन्यू करें, आगे क्या होगा देखिए, ये तो एज इट इज यहाँ राइट डाउन हो जाएगा, वन प्लस एक्स, इसका इंटीग्रेशन किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ब्रेकेट लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो लॉग एक्स का होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स, और वन एक्स का ये वन का जीरो एक्स का वन, ओके, मतलब यही रह जाएगा, और इसका हो गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। आगे चलिए वापस, तो हो गया लॉग वन प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस, अब यहाँ देखिए नीचे अपॉन टू बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, अंदर बच गया मेरा एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स, यहाँ तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करें भाई, इसका अब वापस इंटीग्रेशन करना है, इसको ऐसे देख के तो हमें समझ में आ नहीं रहा है कैसे क्या करें, कुछ दिमाग लगाएं। अब ऊपर देखें, न्यूमरेटर पार्ट तो बड़ा है, ग्रेटर है, तो या तो डिवाइड वाला मेथड यूज करें, या फिर हमारे पास एक ट्रिक दिमाग में आ रही है, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ माइनस वन प्लस वन, ठीक है, माइनस वन प्लस वन में क्या हो जाएगा देखना, पहला एज इट इज राइट डाउन कर लीजिए, वन प्लस एक्स इंटू ये, इसको आगे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाय टू, यहां देखिए आप माइनस वन बाय टू, ये जो आपने किया है इस पूरे को एक साथ ले लीजिएगा और प्लस वन को बाहर कर दीजिए, तो कैसे होगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर
माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स, फिर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स। ठीक है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा आपको क्यों ऐसा किया। ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी। वन का स्क्वायर करोगे तो बी बन जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखिएगा। एक्स स्क्वायर अपॉन टू लोग वन प्लस एक्स, ये तो एजीटी से माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां हो गया एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन अपॉन ये है वन प्लस एक्स। अब वन प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वन लिखो, बात एक ही, इससे ये वाला कैंसिल हो गया और ये जो है हमारा एजीटी यहां पर पड़ा हुआ है। और यह डी टी मैंने गलत लिखा है, डी एक्स होना चाहिए। ओके क्लियर, अब तो काम आसान है। ये वाला एज इट इज, इसमें तो कहीं कुछ चेंजेस है ही नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन पार्ट है, बस आसानी है से आप पेशेंस फुली करते जाइए। तो ये क्या बच गया अपना अंदर, x माइनस वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स डी एक्स। अब कुछ नहीं करना है, अब काम आसान हो गया। ये देखिए एक्स स्क्वायर बाई टू लोग वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू, यहां देखिए अंदर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स का हो जाता है लोग वन प्लस एक्स मोड ऑफ एक्स। ठीक है, और प्लस सी। अब तो काम आसान है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, ब्रैकेट में, तो मुझे लग रहा है इसको यहीं छोड़ दीजिए, काम खत्म है।